10 ममालिक नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। जब वो वहां पर पहुंचे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, तो उनको रेड कार्पेट रिसेप्शन दिया गया एज यूजुअल, बहुत जबरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया। दिस इज इंडिया आसियान फॉर ऑल दीज 10 कंट्रीज, इंडिया इज सो मच इम्पोर्टेंट। लाओस से आप मंत्रोच्चारण सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी वहां सभी के साथ मंत्रोच्चारण करते हुए नजर आए। बेहद खूबसूरत तस्वीरें लाओस की धरती से इस वक्त आप देख रहे हैं। कई आसियान देशों को लगातार जब चीन उनके क्षेत्र में घेरने की कोशिश कर रहा है, तो भारत उन्हें हथियार देकर मजबूत कर रहा है। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गति से ग्रो करने वाला क्षेत्र है। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। रामायण जो है उसको जो अडॉप्टेशन है वो एक नए तरीके से वहां पर पेश की गई उनके सामने। इंडिया इसको ऊपर लेके गया, पाकिस्तान क्यों नहीं गया ऊपर, नेपाल क्यों नहीं ऊपर गया, जिम्बाब्वे क्यों नहीं गया, श्रीलंका क्यों नहीं गया। सही बात, ठीक है। जिस मुल्क को इंडिया सपोर्ट करेगा वो इकोनॉमिकली ठीक है ऊपर जाएगा। इंडिया बड़ी स्मार्टली बेसिकली हेल्दी कॉम्पिटिशन में चला गया है विद चाइना इन विद आसियान कंट्रीज। 10 ममालिक नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। दिस इज इंडिया आसियान फॉर ऑल दीज 10 कंट्रीज, इंडिया इज सो मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, कि उनको इनके साथ एक पूरे का पूरा डायलॉग करना पड़ता है या करना पड़ा है। आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करनी है तो इंडिया इज वर्किंग देयर। अब ये जो आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो कह रहे हैं जी हमारी शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स हैं। ठीक है जी, कि आसियान इंडिया रिलेशंस में कि जब से ये बना है 1992 में आई थिंक आसियान इंडिया जो है वो एक समिट कॉमेमोरेटिव समिट भी हुई थी 2012 में, दिल्ली डिक्लेरेशन है इसके ऊपर एंड सो ऑन एंड सो। और मजे की बात यह है कि अब वो जिधर भी जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो कहते हैं जी हमारे तो सिविलाइजेशनल लिंकेजेज हैं, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज है। ठीक है जी, मैरीटाइम रूट्स हमारे एक रहे, क्योंकि इंडिया है ही बड़ा। इंडिया मिडल ईस्ट में जाए तो वो कहता है हमारे आपके साथ सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं। इंडिया आसियान में किसी मुल्क चला जाए कहता है हमारे आपके साथ सिविलाइजेशनल ताल्लुक है। इंडिया जो है वो यूरोप में नहीं जाके कहता सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है, लेकिन सेंट्रल एशिया तक इंडिया जहाँ भी जाता है यही कह रहा है। सो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ बैठे हुए हैं ना, देर इज वन वर्ड फॉर दैट और वन रीजन, टू कह लेनी चाहिए। ठीक है जी, और वो जारी बात है जो रीजन है, पहली तो इंडिया इटसेल्फ है कि इंडिया समझ रहा है कि हमें इस पे काम करना चाहिए आसियान के ऊपर अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए। दूसरी चाइना, चाइना जो है वो इंडिया एक बड़े हेल्थी कंपटीशन में चाइना के साथ एंटर हो गया हुआ। ठीक है जी, बड़े हेल्थी कंपटीशन में चाइना के साथ एंटर हो चुका हुआ है। आज इंडिया और जो चाइना जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है जी, और ये जिसे वो कहते हैं ना एक बड़ी तादाद में ये ट्रेड बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। ठीक है, नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं आसियान के पास और कह रहे हैं कि भाई मैं और आप क्या करने वाले हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। अब नरेंद्र मोदी साहब, मैंने थोड़ी सी लफ्ज इस पर जरा समझिएगा, नरेंद्र मोदी साहब एंड इट कम्स टू ऑल दीज कंट्रीज, ये जो आसियान के जो ममालिक हैं ना, नरेंद्र मोदी साहब ज़्यादातर वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो इकोनॉमी बिजनेस के रिलेटेड हों, कॉम्पिटिशन, आर्मी, वॉर, ये तमाम ममालिक इन चीज़ों को नहीं पसंद करते। ये छोटे छोटे मुल्क हैं। अब देखिए ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल मलेशिया छोटा सा मुल्क है, इंडोनेशिया है बड़ा मुल्क है, सिंगापुर कितना छोटा सा मुल्क है, थाईलैंड को देख लें, ब्रुनाई को देख लें, वियतनाम को देख लें, लाओ को देख लें, कंबोडिया को देख, छोटे छोटे मुल्क हैं। ये सारे के सारे जो मुल्क हैं ना, दे आर ओनली लुकिंग फॉर वन थिंग, बिजनेस कैसे करना है, कारोबार की बात करते हैं ये। ठीक है जी, ये जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, अब इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया बेसिकली यही तो इंडिया को हम चीज़ बार बार कहते हैं कि इंडिया सार को डिसफंक्शनल करके अपनी मर्जी से नए इंस्टीट्यूशन बनाना चाह रहा है और उन इंस्टीट्यूशंस को फिर इस्तेमाल करता है अपने इन्फ्लुएंस के लिए। ये चीज़ हम कहते हैं कि इंडिया जो ये जो नेचुरल जो पार्टनरशिप है वो चाहिए होती है, और नेचुरल मतलब खित्ते के जो ममालिक हैं उन्हीं के साथ आपने पार्टनरशिप करनी होती है। अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया मैंने आपको जैसे मैंने बताया कि एक तो वो अपना पब्लिक वो कर रहा है, चाइना को कम्पीट कर रहा है वहाँ पर, दूसरा इंडिया समझता है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस खित्ते के अंदर। ठीक है जी, मकबूजा जम्मू कश्मीर में तवील अरसे के बाद
बंदूकों के साए में होने वाले इंतखाबात इलेक्शन में नरेंद्र मोदी का श्रीनगर में जलसा काम आया और ना ही हल्का बंदियों में हेरा फेरी से कोई मदद मिली। बीजेपी के दावों और वादों और सब्ज बागों से कश्मीरी बहले और ना ही हुकूमती मशीनरी की चालबाजियों ने कोई रंग जमाया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में होने वाले रियासती इलेक्शन में शर्मनाक और इबरतनाक शिकस्त ने मोदी जी के चेहरे का रंग उड़ा दिया। इंतहा पसंद मोदी जी इलेक्शन से पहले सीने पर हाथ मारकर दावे कर रहे थे कि इस बार कश्मीर का वजीर आला मस्जिद वाला नहीं बल्कि मंदिर वाला होगा, लेकिन कश्मीरी अवाम ने बीजेपी को उनके इरादों के साथ डल झील में गोते दिए और फिर दिल्ली की बस का टिकट करवाकर निकाल बाहर किया। मकबूजा कश्मीर में मोदी एंड कंपनी को एक सीट भी नहीं मिली और कश्मीरियों ने साफ साफ ठेंगा दिखा दिया, जबकि हिंदू अक्सरियती इलाके जम्मू में भी बीजेपी सिर्फ 29 नशिस्तें ले सकी और इनमें भी कोई एक सीट ऐसी नहीं जो मुसलमानों के अक्सरियती इलाके से हो। यानी जहां जहां कश्मीरी मुसलमानों को मौका मिला उन्होंने बीजेपी एंड कंपनी की चित्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नतीजे के मुताबिक मकबूजा वादी में नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 नशिस्तों के साथ सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आई है, जबकि इसकी इतिहादी कांग्रेस ने भी 6 नशिस्तें जीती हैं और इस तरह 90 सीटों की जम्मू कश्मीर असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इतिहाद को वाज़े अक्सरियत हासिल है। अतः नतीजे से हटकर इस इलेक्शन की सबसे ख़ास बात कांग्रेस की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत की बहाली का नारा था, जिसे बीजेपी ने दस्तूरी दहशतगर्दी से ख़त्म करके मकबूजा जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान में जम कर दिया था। इस बयानिए के लिए ये इलेक्शन रेफरेंडम था जिसमें मोदी जी के बयानिए का मीनार जमी बोस हो चुका है। अच्छा, कश्मीरियों ने मोदी जी को ऐसा ज़ख्म लगाया है कि हरियाणा में कांग्रेस से जीत का मज़ा भी किरकिरा हो गया। अब देखना यह है कि मकबूजा कश्मीर में इलेक्शन के इन नतीज के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस 370 की बहाली के लिए आखिर क्या इकदाम उठाते हैं और बीजेपी की शिकस्त से तहरीक हुर्रियत पर आखिर क्या असरात मुरतब होंगे। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लाओस में हैं और वहाँ पर वो एक तो आसियान समिट अटेंड करने गए हैं और इसी के साथ जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इंडिया की उसको 10 साल हो गए हैं और बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगी और इसके ऊपर इंडो पैसिफिक एक बहुत सिग्निफिकेंट जो इशू है उसके ऊपर ख़ास तौर पर तवज्जो दी जा रही है इंडिया की तरफ से। अच्छा, इसके अंदर जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर तो उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया है, एज़ यूजुअल बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया और फिर वहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट जो तरीक़ाकार है रामायण जो है उसको जो अडाप्टेशन है वो एक नए तरीके से वहाँ पर पेश की गई उनके सामने। क्योंकि देखें ये बात आप याद रखिए कि भारत जहाँ भी जाता है ना उसके कहीं ना कहीं से जो कल्चरल टाइज हैं वो निकल आती हैं और ये तो आपको पता ही है, ये जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो तो बहुत सिमिलर भी हैं और उनके जो लिटरेचर है और बहुत कुछ इसमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं। तो इस तरीके से वो डायस्पोरा से भी जो वहाँ पर मिले तो काफ़ी इसके अंदर कल्चर और हिस्ट्री जो है उसके ऊपर काफ़ी मैं देख रही थी कि देखने को मिली चीज़ें रामायण के ऊपर जो है वो भी पता चला कि कैसे नए तरीके से उनके सामने पेश किया गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो देखिए वैसे तो ये 2 डे विज़िट है लेकिन ये कहा जा रहा है कि दैट विल बी एक ऐसा ये विज़िट होगा जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि अगले जो फ्यूचर है यानी नेक्स्ट फ्यू ईयर्स कैसे रिलेशंस इंडिया बनाएगा जो आसियान कंट्रीज़ हैं उनके साथ। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जो आसियान कंट्रीज़ हैं उसमें जो यानी वैसे तो इंडिया के सभी कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, यानी जब हम ये बात करते हैं ना कि जी तो वो कौन सा कंट्री है उनके साथ रिलेशन नहीं है, बल्कि मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग इसके अंदर देख रही थी वो मैं आपके सामने भी बताऊंगी कि ये जो इस वक्त वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब पहुँचे हैं ना तो इतनी इंटरेस्टिंग एक इसका एस्पेक्ट है कि इसमें इम्पॉर्टेंट एनिवर्सरीज जो हैं वो भी आ रही हैं इंडिया की दूसरे कंट्रीज़ के साथ, यानी इसमें इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सेवरल कंट्रीज़ इन द रीजन, 75th विद इंडोनेशिया, 75th एनिवर्सरी विद इंडोनेशिया, 75th विद फिलीपींस, 60th विद सिंगापुर एंड 40th विद ब्रुनाई। ये जितने भी कंट्रीज हैं इन सब कंट्रीज के साथ किसी के साथ जो है वो एनिवर्सरी 75वीं है, किसी के साथ 60 साल हो गए किसी के साथ, मतलब इस तरीके से बता रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ये चल रहा है।
मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जेल में असीर हुरियत रानुमा यासिन मलिक साहब की अहलिया मिशाल मलिक साहिबा। बहुत शुक्रिया मिशाल ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। मिशाल, मोदी जी का जो दावा है वो तो धरे का धरा रह गया। वो तो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि इस बार जो वज़ीर आला होगा वो मस्जिद वाला नहीं मंदिर वाला होगा, लेकिन कश्मीरियों ने ना को चने चबवा दिए। बेसिकली इंडियन स्टेट जो है इतने डेकेड से जो उन्होंने अपनी ऑक्यूपेशन बढ़ाते रहे और अब उनकी इंडियन स्टेट ने बीजेपी और आरएसएस के थ्रू वहाँ पे जो एक फॉर्मुलेट किया आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन और 35A के बाद, वो ये था कि वहाँ पे अब तो 10 लाख इंडियन आर्मी है, अब हम लोगों ने अपने लाखों की तादाद में इंडियंस को वहाँ पे सेटल करना है, और जब सेटल करना है तो उसके बाद हमने वहाँ इलेक्शंस कराने और इलेक्शंस के बाद फिर हमने प्लेबिसिट की तरफ जाना है। तो सबसे जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इन्होंने अपना जो स्टेटस को है इंडियन स्टेट की मैं बात करी वो बरकरार रखा है, और हम लोग जो लोग हैं जो कश्मीरी कौम है जो तहरीक के साथ है जो के खुद इरादियत की तहरीक चला रही है, हमें अगर ऑफिशियल टर्म्स में वी आर फ्रीडम फाइटर्स अगर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है, तो एक फ्रीडम फाइटर जो कि जिसके ऊपर एक एलियन ऑक्यूपेशन है वहाँ पे हमें कहा जाता है कि जो हम स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं, तो ये स्टेटस को की पॉलिटिक्स इनकी चल रही है और इसके अंदर इन्होंने अब फेसेस बदल दिए हैं।